लो भाई, आज हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग कपड़े सुखाने से होती है। हमारे काम वाली आंटी आज आई नहीं, तो आज व्लॉग नहीं बनेगा, होम टूर वाला कल बनेगा तो परसों आएगा, ठीक है। और मैं सांस चढ़ गया भाई, क्योंकि मैं थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो मम्मी ने कहा कि बेटे कि तू थोड़ी मदद कर दे, कपड़े सुखाया। मैं कहा ठीक है मम्मी, सुखा दूंगा। फिर मैं ध्यान आया कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो चलो आज आपको कपड़े सुखा तो वो दिखाता हूँ आपको। और हमारे घर में एक वो ये रही, देखिए आप लोगों ने, पता नहीं आई हो या नहीं आई हो शूट। और ये देखो हमारे इन पौधों पे फ्लावर आ गए हैं, देखो दिख रहे हैं, वहाँ पे भी इतने सुंदर सुंदर पौधों पे, मतलब ये इसी मौसम में आते हैं फ्लावर्स। और हमारे रोज भी लगे हुए हैं, ये सारे टेरेस गार्डन हमारा ऊपर, मस्त मस्त चीज है ये। चलो भाई कपड़े सुखाता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे रवि अंकल ऊपर एक और वो बना रहे हैं फ्लोर, सबसे ऊपर ये यहाँ पे एक रूम और बनाएंगे, बड़ा सा हॉल बना लेंगे, ये सही है। लो भाई चलो कपड़े सुखा लेते हैं। थोर को ना भाई, थोर के लिए जो ट्रीट्स लाए थे वो देखिए भाई, थोर के लिए जो ट्रीट्स लाए थे वो निकाल रहे हैं मम्मी। और फिर ओए थोरू क्या कर रहा, नहीं शरारत ना कर, नहीं तूने हर चीज से खेलना है, हर चीज मुंह में लेनी है तेरे को, हैं? रुक जा मुझे ट्रीट्स निकालने दे तेरी। ये देखो भाई ये रही ट्रीट्स थोर के लिए, देखो थोर खाता नहीं ट्रीट्स इतनी, बट हमने इस बार लेके आया कुछ नई चीज और ये बोल रहा के लेके आ रहे, तो देखते हैं ट्राई करते हैं, अगर ये खाएगा तो इसको इसके लिए और लेके आया करेंगे। लो पापा जी छीन लो। और हाँ भाई पापा ना डाडी बढ़ा रहे हैं, पहले बता देते हैं, मम्मी कुछ बोलना चाहेगी इस बात पे। बोला भाई आज मैं मंदा ही नहीं मारी, देख लेंगे कई कोई कहते भाई अंकल टेंशन में क्यों है, टेंशन टेंशन में कुछ नहीं है, मेरी डाडी बढ़ा रखी, डाडी सूट करती नहीं पापा की, इतनी अच्छी मानते हैं नहीं। थोरू पापा बोलेंगे थोरू स्टे हो जा, सीट का हो ना पापा, स्टे तो हो गया ये थोर कंफ्यूज हो गया, देखो एक मिनट नहीं लगाता सीट होने पे, तो ये दिखाना क्या चीज है पापा, ये देखो भाई ये मीट है ना, हाँ कैल्शियम है भाई इसके अंदर। ओ नहीं सब आ रहे, शूट हो रहा था प्रोटीन है भाई 24% इसमें, हाँ लेके आएंगे नहीं इसके लिए सारे ले आएंगे जो जो होगी नहीं। हेलो पर हेलो का छोटा टब लिया है पापा, मम्मी लाई है, मैं नहीं लाया, दिखाओ एक सेकंड मैं दिखाता हूँ भाई। पापा जी आप रोस्ट करना चाहते हो मम्मी को, अभी मैं भी लाता हूँ, ये लो भाई देखो कितना फर्क है, कितना क्या फर्क है, दोनों सेम है, अरे सेम है पावर बहुत फर्क है, ये तो तस्वीर लग गया है, ये तो छोटा सा सही है। मम्मी चाकू लाई है नया, चाकू ये भी लाई है, कहाँ गया बेटा, क्योंकि रचित को बहुत राउंडे राउंडे काट का जो लगाने के लिए लगे नॉनस्टिक पे ना सही लगे। और मैं भाई ये लेके आया हूँ इलास्टिक बैंड, लो पापा जी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इलास्टिक बैंड पता है क्या होता है आपको, पता है पापा, ये देखो ऐसे इस पे ये जो लड़की खड़ी है एक्सरसाइज कर रही, इससे ना ऐसे स्ट्रेचिंग ऐसे एक्सरसाइज हो सकती है, लो मैं करके दिखाऊंगा आप, खोलो इसे, बरसाती चप्पल बरसात तो गिरा नहीं होगी इतनी पर मतलब बरसात तो होली मम्मी, और भी होगी, और भी मम्मी ने सारा पिटारा खोल दिया भाई चंडीगढ़ से, सारी शॉपिंग करके आई। ये हेलो की है ट्रीट फुल, ये वाले नई लेके आए, ये ट्राई करी थी इसने, खा ली थी सही, तो अब ये मानू ने कहा था कि सेम वाली कंपनी की क्यों ला रहे हैं, तो फिर इसे लाए थे और ये भी खोल लिया अब। ये देखो भाई
ये होता पापा इलास्टिक बैंड। ओह मैगी मैगी मसाला भी मम्मी जरा पापा ये होता है। अब पापा खोलेंगे इसे कहेंगे कि ये तो सिंपल पट्टा है, सिंपल यही है पापा। तो इसको पाँग देखो मैं करके तो ये इलास्टिक बैंड ये कैसे यूज करते हैं, ये ऐसे रखे, देखो सबको पता ही होगा, जिसको नहीं पता वो देख लेना भाई। ये ऐसे रख लिया और ऐसे करके प्लीज फट जाएगा, ये कट लगती खराब हो जाएगा ये भाई, प्लीज थोड़ू थोड़ी इधर आ जा, थोड़ा आज इधर कट लेते होंगे इधर आ तू, ऐसे हाथ में ऐसे करके वो सब करो, ये ऐसे हाथ करके। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना कैसे सही होता है, क्योंकि हम कितने भी कर लिया वो खाएगा, इसको पसंद आएगा इसको। ऐसे कर लिया देखो, और अब ये ऐसे हाथ रख के ना, इससे पूरा जोर आ रहा है तो ऐसे मसल सही रहती है, ऐसे मसल सही रहती है और ये टूटता नहीं, सही है। तो ये ऐसे मतलब कि अगर कोई जिम मारता है ना और उसको थोड़ा घर पे कई दिन हो गए बाहर नहीं जा पा रहा, जिम नहीं मार पा रहा, तो वो घर पे इससे कर सकता है, और अगर कोई नहीं मारता नॉर्मल वर्कआउट करना है तो उसके लिए भी सही है ना पापा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई सारी चीजें हैं जैसे अभी आप हैंडल में लगा के कर लो है ना, मतलब सिर्फ उसकी नहीं आएगी, ये यूं भी हो जाती है यूं करके, या फिर ये मतलब समझ लो कई सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं इससे। कैसा था, सही है ना, बहुत बढ़िया। ये डीकैथलॉन से लेके आया हूँ मैं, और ये 300 रुपए का पड़ा शायद मैंने, 399 बेटा नहीं 200, 399 पे 100 रुपए ऑफ था, 100 रुपए ऑफ था ना इसपे, रेट तो 399 400 का है पर इसपे 100 रुपए ऑफ थे तो हमारे को 300 रुपए का पड़ गया, सही है ना पापा जी। बिल्कुल पापा ट्राई कर रहे हैं पहली बार ऐसे, पापा ये ऊपर क्यों कर रहे हो ऐसे, इसको तो यहाँ रोको, जैसे इसको तो यहाँ रोको और फिर यूं रख के फिर यूं करो, पेन का नहीं पकड़ होल्ड करना है ये, अरे बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत लोग इसको मतलब वो कहते हैं कि भाई मेरी मम्मी दाढ़ी कटवा के वाले पापा की, और इस बार मम्मी के साथ मैं भी हूँ मम्मी, कई बार ट्राई कर ली पापा ने पर नहीं लगती अच्छी पापा, ऐसे लगता है कि बड़े डिप्रेशन में है आदमी। मम्मी ने पता क्या कहा कि कुछ सोच ले आदमी, यह बात कह दी भाई मजाक करते हैं हमारे घर में ऐसे। थोरू वी नीड टू टॉक मुंडी तोर बोला है तू जा रे, इतना टाइम नहीं है रे मेरे पास, इधर सेट नहीं बैठेगा रे थोर बोले नहीं बैठूंगा सेट हेलो सेट इधर मुझे एक बात बता भाई, तू इसको तो मारता है तू मेरे क्यों मार के गया बता दे, खान क्यों आता है मेरे मार के क्यों गया तू, मैंने तो यूं कहा था हेलो वहां बैठी है, मैंने कुछ गलत कहा था, हेलो वहां ही बैठी थी, यहां मारा तने क्या मारा था, एक बार आए हो सुनी टूटो एक बार देख क्या मारा था, ये देख थोरू भाई ये देख थोरू कैसे देख रहा बदतमीज, इसको लगता है कि ये यू देखेगा तो किसी को दिखे नहींगा कि ये देख रहा है। चल अच्छा चल रुक मैं को भी एक बार बात करने खड़ा हो तुम, एक सेकंड रुक जा थोरू तू मत खड़ा हो मेरे को इसको खड़ा हो रुक जा अब मैं करती है बात, अब मनु बात करेगी देखना इसके साथ क्या होगा, तूने मुझे क्यों मारा थोड़ी मैंने तुझे कुछ बोला है मैंने तू पागल है मैंने ते मेरे क्यों मारा, अरे ये ऊपर से कूदने के साथ पीछे ओए तू मेरे क्यों मार रहा है, जाओ उधर थारू थोरू मानो बोल रही है, थोरू मानो ने तेरे से बात करनी है, जा बात कर उसे, ये जो तेरे लिए ट्रीट आई वो मैं ला, ए बात करना तू कन्वर्सेशन से बात, कोई इज्जत नहीं है जो तेरे लिए ले 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 ले
और कर ले। वो तेरे लिए फ्री टाइम हो मैं लाइफ। कभी तूने ऐसे रियलाइज किया कि मैं तेरे लिए कितना कुछ करती हूँ? एक तुझे मम्मी के पनीर में से चुरा चुरा के पनीर खिलाती हूँ, वो नहीं देखता तू? मन तू खाती है पर थोर के पनीर में से। सही करा थोर तूने, तूने मैंने इशारा इसने क्या करा था मेरे साथ मनु? अभी कूदा ना आगे से तो कूदा ही कूदा, पीछे से भी कूदा। चलो भाई मैं अभी बाहर से ही आया था पर मैंने सोचा कि मुझे थोर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हरकतें करने लग गया। होने के बावजूद इसने मेरे को मारा। और मेरे मैंने तो इसको इशारा पता भी क्या करा था, मैंने कहा थोर चलो भाई ना, रुको इसको, ये इसका ना क्या होता है वो टेंट्रम है ना, ये इसका टेंट्रम कि मेरे को अटेंशन दो, तुम लोग को ही पूछ नहीं रहा था। अब दिखाती हूँ मैं इसका ये असली टेंट्रम, इसको बोल रही हूँ एक बार मुझे ना मारे। थोरो थोरे थोरे थोरो नो नो छोड़ो, आई इधर चल चल पीछे बस एक मिनट, इसको यूं ही रखियो ठीक। थारू स्टे, आ रहा हूँ मैं। थारू वीर मैं समझ गई, देखो इसकी खुशी का लेवल देख रहे हो आप। आज से लेवियंडर, आज से लेवियंडर डॉल्फिन गिर जाएगा। ये था, अब इसको 5 मिनट बाद फिर एहसास होगा कि टेंशन की कमी है तो लेके बोला ऐसे छाती पे मारेगा मेरे देखा कि पकड़। तो भाई ये हमारी साथ हम लोग एंड कर देते हैं इसी, भाई तो हमारी ये मस्तियाँ चलती रहती है। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मानु डॉन के चैनल को सब्सक्राइब करो। टेल्स ऑफ थोर एंड हेला के नाम से इसका चैनल है, 7000 सब्सक्राइबर हो गया मैडम के, जल्दी जल्दी 10K करो ताकि थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है चलो इजाजत दो, फिर अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। इजाजत है चलो बाय बाय।